किसी भी बिजनेस का स्कोप ये तय करता है कि आप फ्यूचर में उसमें कितना और किस हद तक ग्रो कर सकते हैं। हमेशा एक ऐसा बिजनेस चुनें जिसका स्कोप प्रेजेंट से भी ज्यादा फ्यूचर में बढ़ने वाला हो। ऐसे में आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिजनेस कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। आज यहाँ हम जिस बिजनेस के स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा बिजनेस है जो दिन ब दिन बहुत तेजी से फैल रहा है। बिजनेस एक्सपर्ट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का बिजनेस करार दिया है। इसे फ्यूचर का बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि COVID-19 की वजह से 80% जॉब्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और बाकी आने वाले जमाने में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो जाएंगी। कोविड की सिचुएशन में जो लोग सिर्फ जॉब पर डिपेंड थे वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके थे और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, या जिनका ऑफलाइन कोई छोटा मोटा बिजनेस था भी तो वो भी ठप हो चुका था। तो ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ने ग्रो किया था। इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने आसमान को छूने वाली ग्रोथ ली है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर लोग अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर हजारों की अर्निंग करनी हो तो लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर 2 लाख रुपए कमाने हो तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हर इंसान के पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो है नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों के लिए ही है जो बिना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के लाखों कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान की आबादी आज ऑलमोस्ट 25 करोड़ है और फ्यूचर में ये और भी बढ़ने वाली है, और जॉब्स के मौके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और भी कम होने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का तकरीबन 2% हिस्सा ही नेटवर्क मार्केटिंग में है, और फ्यूचर में ये सारी पॉपुलेशन इस बिजनेस को बिल्ड करने वाले हैं। सो मैं नहीं चाहता कि जब फ्यूचर में ये 2% लोग आसमान की बुलंदियों को छू रहे हों, अपने ड्रीम्स पूरे कर चुके हों, तो आप इस पछतावे में हों कि काश मैंने इस बिजनेस को उस वक्त ज्वाइन किया होता और इसे बिल्ड कर रहा होता, आज जाने मैं कहां का कहां पहुंच जाता। लिहाजा अगर आपको इस ब्यूटीफुल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे मिस बिल्कुल ना करें और जल्दी से इसे ज्वाइन करें। हां, लोगों को पहचानना और अच्छी कंपनी को पहचानना आपके जिम्मे है। वेरी सून इस पर भी वीडियोस आ जाएंगी, सो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिल सके। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी और अच्छे लोगों की सोहबत मिल रही है सो उसे मिस मत करें, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लें ताकि आप भी इससे फायदा उठा सके और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर आप आज इस बिजनेस को अच्छे लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 1 साल में आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक नाउ आई कैन होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कैसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में। सो इसे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए और कैसे लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड फाइंड द वे।